आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से जो पाक नागरिक जो पाक जायरीन इस भारत की धारा के ऊपर जो ख्वाजा साहब के उर्स में आए हुए हैं, उन्होंने कल एक कव्वाली प्रोग्राम के अंदर सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंडपिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। भारतीय मुद्रा का जो अपमान किया है, अपने पैरों नीचे कुचल कर जो भारतीय मुद्रा का अपमान किया उसके विरोध में जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देने आए और जिलाधीश महोदय को हमने विरोध दर्ज कराया है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक 1935 के अधिनियम के तहत ये एक ऑफेंस बनता है, इसमें इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछले 2012 के अंदर भी पाक नागरिकों ने भारतीय मुद्रा का अपमान किया था, इन्होंने अपमान करते हुए कुछ नोट फट भी गए थे, जो कि एक ऑफेंस बनता है। नोट का फटना और उनका अपमान करना दोनों ही ऑफेंस बनता है और कहीं ना कहीं 125 करोड़ भारतीय जनता की जनमानस की आत्मा पे कुठाराघात किया है, जो कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हमने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसी भविष्य में कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इसकी पूरी जाँच की जाए। कलेक्टर महोदय साहब ने हमारे से इसके प्रूफ भी मांगे, तो हमने इनको जिनकी फोटोएं जो है हमने उपलब्ध कराकर ये उपलब्ध कराई है और इनके ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अगली बार भारत की धरती के ऊपर किसी भी पाक नागरिक को पाक जायरीन को हम इस धरा पे पैर दंडे नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मोर्चा के बैनर तले एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि जो हमारे पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था और हमारे अजमेर की दरगाह में चादर लेकर के जो उपस्थित हुए थे, उन्होंने जो घोर लापरवाही करते हुए भारतीय मुद्रा को जो उछाला और उनको जो पैरों तने रोंदा डांस करते हुए, उसका हमारे भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और जो भारत की जो मुद्रा है उसका जो उन्होंने इस तरह से नोट फटे भी है और उनका जो अपमान किया, उसके विरोध में हम प्रशासन को एक ज्ञापन देना है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के निवेदन किया कि जब हमारे अजमेर के शहर के जो हमारे मुस्लिम भाई और आम जनता उनको सर माथे रखती और दस्तारबंदी करते हुए इतना स्वागत करती हैं और वो इस तरह के अपने भारतीय मुद्रा का जो अपमान करते हैं, वो आगे को ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के हमने निवेदन किया है और ये करा, अगर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के नाते और शहर के नाते इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आइंदा को प्रशासन को हमने चेताते देते हुए ये ज्ञापन दिया है। आला अधिकारी मौजूद थे उस वक्त, वो क्या है? ये हमने प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब ने कहा कि पैरों तले नहीं रोंदा, हमने उनको फोटोग्राफ भी दिए और उनको ये बोला है, तो उन्होंने कहा अच्छा हम ज्ञान इसकी जांच करा लेते हैं। अगर भारत की मुद्रा पैरों तले रौंदी जाती है और उसको अगर फटती है तो ये भारतीय मुद्रा का अपमान है और इसके नियम कायदों के तहत भी ये हमारे को ज्ञात हुआ है कि ये भी एक तरह का कानूनी एक्ट में आता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो हमने कलेक्टर साहब को भी ये निवेदन किया है कि आइंदा का ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो और अगर कोई ऐसा करता है तो प्रशासन के व्यक्ति भी और उनके व्यक्ति जो आते हैं ऐसा करते हैं उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।